नहीं, आपका काम बहुत बढ़िया है, आपका काम तो ठीक है लेकिन आपका नेचर भी बहुत बढ़िया है। जैसे आप दूसरे मशीनों के मशीन लेने के लिए जाऊंगे तो आपको इतना बढ़िया नेचर नहीं मिलेगा। और जब इंस्टॉलेशन किया तो इतनी बड़ी कंपनी के ओनर खुद आके यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन के बाद हमने सारी मशीनें देखी, उसकी जो फिनिशिंग है एक नंबर फिनिशिंग है, और उसमें जो मटेरियल प्रोडक्ट भी निकलता है वो लाजवाब, मतलब बेहतरीन एक नंबर का निकल रहा है। सोडा मशीन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम आ गए हैं इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पे, और मेरी बैक साइड में जो है गोधरा वाला हाईवे, यहाँ से गोधरा अहमदाबाद आएगा, और यहाँ पे जो हाईवे है वो इंदौर हाईवे है, दाहोद इंदौर हाईवे है। अगर ये हाईवे पे आप निकलते हैं फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे VR सोडा मशीन के काफ़ी प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ के ओनर है वो काफ़ी शौकीन है, और काफ़ी अलग अलग टाइप के फूड बेवरेजेस और अलग अलग टाइप की अपने कस्टमरों को चीज़ें दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट फैमिली रेस्टोरेंट है। यहाँ पे रूम्स वगैरह है, एसी हॉल है, यहाँ पे डाइनिंग एरिया है अलग अलग जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे एसी हॉल है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे मॉल्स टाइप का बना हुआ है, आप देख सकते हैं मॉल्स में से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह। यहाँ पे टी वगैरह नमकीन वगैरह का एरिया दिया हुआ है, और VR सोडा मशीन का पूरा सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। वर्ल्ड जूस बार लगा हुआ है, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन लगा हुआ है, पॉपकॉर्न मशीन लगा हुआ है, स्लश मशीन लगा हुआ है, और यहाँ पे स्नैक्स वगैरह का शॉप है, पान शॉप है, और काफ़ी अच्छा और काफ़ी हाइजेनिक रेस्टोरेंट है ये। और यहाँ के जो ओनर है लाला भाई वो काफ़ी शौकीन है, वो चीज़ें खिलाने में ज़्यादा मानते हैं, अपने कस्टमरों को अच्छी चीज़ें खिलाने में ज़्यादा उनका ध्यान है। तो फ्रेंड्स कभी आप इंदौर अहमदाबाद हाईवे पे निकल लिए तो यहाँ पे होल्ट कर सकते हैं आप, और काफ़ी डिलीशियस चीज़ें बनाते हैं ये, और इनको पैसा कमाने से ज़्यादा एक चीज़ का उद्देश्य ज़्यादा इनका कि भाई मेरे को अच्छी चीज़ खिलानी है। तो हम लाला भाई से मिलेंगे, इन जो रेस्टोरेंट का ऑनर है। कैसे हो सर? बढ़िया एकदम बिल्कुल। ये अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के ऑनर है लाला भाई, जो काफ़ी हमारे मित्र हो चुके हैं, हमसे क्लोज हो चुके हैं, और उन्होंने हमारी कंपनी से मशीन खरीदी है। और लाला भाई का उद्देश्य ये है कि भाई मैं मेरे कस्टमरों को चीज़ हाइजेनिक और अच्छी दूँ अभी के दौर पे। तो लाला भाई आप जो हमारी कंपनी में आए थे VR सोडा मशीन में, तो ऑल ओवर आपको हमारी कंपनी का कैसा रिस्पॉन्स लगा, कैसा रिव्यू लगा, और मशीनें यहाँ पे आई तो मशीनें कैसी चली, उनके बारे में हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा दो शब्द में कुछ बताइए सर, बताइए सर। नहीं, आपका काम बहुत बढ़िया है, आपका काम तो ठीक है लेकिन आपका नेचर भी बहुत बढ़िया है। जैसे आप दूसरे मशीनों के मशीन लेने के लिए जाऊंगे तो आपको इतना बढ़िया नेचर नहीं मिलेगा। और जब इंस्टॉलेशन किया तो इतनी बड़ी कंपनी के ओनर खुद आके यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन के बाद हमने सारी मशीनें देखी, उसकी जो फिनिशिंग है एक नंबर फिनिशिंग है, और उसमें जो मटेरियल प्रोडक्ट भी निकलता है वो लाजवाब, मतलब बेहतरीन एक नंबर का निकल रहा है। लाला भाई आपने सॉफ्टी जो चेक किया, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन में, तो आपको सॉफ्टी कैसा लगा सर? एक नंबर टेस्ट आनो, पर बहुत सारो मजानो टेस्ट, सारो टेस्ट। आपने जे मॉलमा ने बधे खाई छे એના કરતા આનો ટેસ્ટ ઘણો સારો રહ્યો। अच्छा, એની જે થિકનેસ છે, એની જે સોફ્ટનેસ છે બહુ સારી રહી। अच्छा, और लाला भाई जो आपने ये हाइजेनिक का काफी लेटेस्ट अभी लास्ट जो प्रोडक्ट थी VR सोडा की, टाइटेनिक जूस बार, वो आपने परचेस किया, तो आपको गन्ने का जूस कैसा लगा सर? टेस्ट वाइज बेस्ट, और उसका जो चिलिंग कूलनेस जो वगैरह है, एक नंबर बेस्ट है, यहाँ पे बेस्ट है। हाँ, और मौसम भी वगैरह जो सारे जूस हमने जो निकाले सारे, उसका कैसा? इसका जो मुझे सबसे बेहतरीन जो पार्ट लगा, हाइजेनिक पार्ट जो लगा है ना, तो उसी क्लीननेस और जो मतलब गंदगी वगैरह कुछ भी दिखता नहीं है, कुछ भी दिखता जो भी वेस्ट हो वो कस्टमर से हिडन रहता है। अच्छा, वो इसकी बहुत बड़ी मोनोपोली है। अच्छा। हाँ, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने लाला भाई को पॉपकॉर्न मशीन दिया है, ठीक है, ये पॉपकॉर्न यहाँ पे हमने बनाए। लाला भाई पॉपकॉर्न कैसे लगे आपको? टेस्ट वाइज एक नंबर, एक नंबर। आपकी कोई भी प्रोडक्ट को आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने हमको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि टेस्ट में कस्टमर रिपीट होगा। हम यहाँ मशीन कब आपने लाई और कितनी देर में मशीन स्टार्ट हो गया? अप्रोक्स एक घंटे के अंदर तो आपने पूरी सारी मशीन इंस्टॉल कर दी। एक घंटे में एक घंटे सारी मशीन। हाँ, अच्छा, थोड़ा स्लश निकल के बताइए सर आप। स्लश उसमें से, स्लश में से निकाल दो, कोई बात नहीं, तो कब पड़ा है ना। अच्छा,
ये जो गोला आपने भरा, जो सर आपने जो गोला भरा आइस गोला, वो भरने में कैसा है? बहुत अच्छा है सर। इजी है एकदम? एकदम इजी सर। कोई भी छोटा बच्चा मशीन को ऑपरेट कर सकता? आराम से सर। अच्छा, आराम से ऑपरेट? आराम से सर। अच्छा, तो लाला भाई आप जो यहाँ पे जूस बेचेंगे वो क्या रेट में बेचेंगे? अभी प्लानिंग है, शुरुआत में 20 रुपए से अपने को करना है। एक बार कस्टमर को पसंद आएगा, लाइक करेंगे, उसके बाद आगे का सोचेंगे। लेकिन अपने को अभी पैसे से ज्यादा खिलाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। वो तो देखेंगे आगे, उसका कोई दिक्कत नहीं इन्वेस्टमेंट का, अपन कमाने के लिए ज्यादा सोचते नहीं है। अच्छा ठीक है। और आप इसमें जो अलग अलग जूस बेचेंगे, हाइजेनिक जूस जो बेचेंगे बढ़िया क्वालिटी के, वो क्या रेट में ग्लास बेचेंगे? वो अभी 40 रुपीज के अराउंड हम लोग प्राइस नक्की करिए। अच्छा, 40 रुपए के आसपास बेचेंगे। और सॉफ्टी? सॉफ्टी 20 रुपीज में, 20 रुपीज में सेल करेंगे। तो वैसे तो ये बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल और अच्छा बिजनेस है, फिर भी आप जो चीजें जो देंगे आपके जो कस्टमर को वो काफी अच्छी रहेगी? यहाँ पे एकदम हाईवे की होटल है आपकी? नहीं नहीं, हाईवे के हिसाब से हम लोग माल नहीं देते, हम लोग क्वालिटी के हिसाब से ही चलते हैं। अच्छा, क्वालिटी के हिसाब? क्वालिटी के हिसाब से। वो तो मैंने मेरे व्यूवर्स को पहले ही बता दिया वीडियो ओपन करने से पहले कि भाई जो यहाँ के ऑनर है ना वो काफी अच्छा, हमने खाया भी आपके रेस्टोरेंट में, खाने का क्वालिटी और एक नंबर होटल है। आप एक बार इनकी होटल की विजिट करना। ये तो हमने मशीन के रिलेटेड वीडियो बनाई है, बाकी आप फूड के रिलेटेड भी देख सकते हो। और यहाँ पे एक बार लाला भाई की होटल में विजिट कर सकते हैं। इनकी चाय, इनका जो खाने का जो खिचड़ी वगैरह उन्होंने खिलाया, काफी क्वालिटी वर्जन चीज बनाते हैं। काफी शौकीन है लाला भाई, हर चीज में बढ़िया बनाते हैं। लाला भाई, मशीन का लुक कैसा लगा आपको? एक नंबर लुक की वजह से, अगर हम भी पहली बार देखते तो हमको भी और जूस अलग अलग पीने में टेस्ट करने की इच्छा हो जाती है। अच्छा, बढ़िया लुक है इसका। सर आप ब्लैक पिया को फिनिश वगैरह में काम किया हुआ है, वीआर सोडा मशीन का क्वालिटी वर्जन काम किया हुआ है। तो हमारी आपसे यही एक है कि भाई आप यहाँ पे अच्छा बिजनेस करें और अच्छी कमाई करें। और आपने जो वीआर सोडा मशीन से मशीन लिया उसके लिए थैंक यू सर। आपको भी थैंक यू, आप इतनी जल्दी दी आए, सर्विस दी और इतनी जल्दी इंस्टॉलेशन किया, और आप खुद आए हमारे लिए, कोई बड़ी बात है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, और अगर अच्छी ज्यादा लगी हो आपको तो किसी और को आप शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीआर सोडा मशीन। कैसा लगा सर आपको स्लश? अच्छा लगा मुझे, टेस्ट अभी आ रहा है। टेस्ट आ रहा है, ऐसा लगता है कि मैं गावा का जूस पी रहा हूँ बर्फ गोले के साथ। अच्छा, बर्फ गोले के साथ। अच्छा, क्वालिटी अच्छा एकदम मशहूर। कैसा लगा सॉफ्टी आइसक्रीम आपको? अच्छा लगा। अच्छा है, टेस्ट कैसा है इसका? मस्त है, बढ़िया है। खाने का नहीं लगा? कैसा लगा आपको सॉफ्टी आइसक्रीम? बहुत मस्त है। लाइक यू, आपको कैसा लगा सर आइसक्रीम का क्वालिटी कैसा है? अच्छा है।